पांच देखो प्रभु भगवान श्री राम आप सुनी कान विकल भर वानर निकल वानर मतलब अंदर सब है और आई आई गेहूं हनुमान भजन बलि जिनी करुणा मंदिर रस अर्थात प्रभु जो है इलाज कर रहे थे रो रहे थे और उसको सुन करके वानर ला वानर सब बंदर लोग भी निराश हो गए थे हाँ। और फिर वहां से जब हनुमान जी को लाते देखे जड़ी बूटी लाते देखे तो सब लोगों में जो करुणा था वो खुशी से जाए हो गए बुरी रस बदल गए और सब लोग हंसने लगे खुश हो गए। यहाँ पे संदर्भ है प्रस्तुत का अभ्यास दो अनुसार हम लोग जो पढ़े थे प्रस्तुत जो छंद है वो इससे लिया गया था है ना भी है और प्रसन्न है कवि ने हनुमान जी द्वारा संजीवनी कुटी लेकर के आए उन्हीं पर वानर सेना सब प्रसन्न हो गए खुश हो गए उसका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे व्याख्या है कवि कहते हैं कि प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के विलाप को सुनकर के सभी वानर राज अत्यधिक व्याकुल हो गए थे एकदम छटपटा रहे थे इधर हो रहे थे और उसी वक्त उसी टाइम हनुमान जी का आगमन हुआ तो संजीवनी कुटी जो थे लाए थे हनुमान जी को देख करके सब लोगों में क्या हो गए सब लोग वानर सेना में एकदम प्रसन्नता आ गई खुशी हो गए और जो प्रबल रस थी वो दुर्बल रस में बदल गए सब खुश हो गए सब लोग खुश हो गए सब लोग अर्थात करुणा जो है वो वीर रस में क्या हो गए बदल गए परिवर्तन हो गया ये देखो। और विशेष में है राम जी की व्याकुलता श्री राम जी की व्याकुलता को देख करके का सजीव वर्णन किया गया है ये दृश्य लंबित है। यहाँ पे देखो अगला है हरि राम भेटि हनुमाना हनुमान अति कृतन प्रभु पर सुजान यहाँ पे हरि राम भेंट हनुमाना हरि खुश हो गए जब श्री राम जी को हनुमान जी को देख करके खुश हो गए अति अति प्रभु परम सुजाना और उसको देख करके एकदम खुश हो गए और सब अच्छा होने लगे फिर तुरंत बैठ कर किन्हीं उपाय और तुरंत जल्दी जल्दी बैठ करके कुछ उपाय करने लगे कुछ सोचने लगे उठ ही बैठ गए लक्ष्मण हरि साई और फिर उठ करके बैठ गए लक्ष्मण जी फिर हृदय लाभ प्रभु भाता तब हमारे हृदय को खुश होकर के प्रभु श्री रामचंद्र के भाई हरे सफल भालू को भी भाता और वहां पे सब लोग जो थे सब लोग सफल हो गए भालू ये हाँ और ये बंदर सब लोग एक साथ फिर कपि मुनि कह तहा पहुंचाना जो यदि तभी ताई इत पाना यहाँ पे फिर ये हमारे जो बंदर लोग से सब वाला लोग थे बजरंग बली थे सब लोग वहां पर पहुंच गए सब लोग आ गए नजदीके में और फिर विविध प्रकार के काम उसके लिए सोचने लगे करने लगे फिर यह वृतांत दशानंद सेहु अति निषाद कुनि कुनि सिर देव और इस बात को सुनकर के दशानंद ने यहाँ पे लिखा है इस बात को सुनकर के दशानंद ने उसके बार 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 विषय को ऐसे 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 वो कर रहे थे घुस रहे थे धेनु सुंदर ऐसे ऐसे ठोकना हो गया फिर व्याकुल कुंभकार प्रतिवारी विविध तंत्र जाहि संग्रहाना और व्याकुलता भयंकर हो गया उनका भी ने और विविध प्रकार के वो काम करने लगे सोचने लगे फिर यहाँ पे है पुराना सर हमारे प्रसंग रहे हुए प्रस्तुत का अभ्यास प्रस्तुत छंद हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया था फिर उपरोक्त दोहा में हनुमान जी के इसमें हनुमान जी जो जड़ी बूटी लेने जाते हैं उसके लौटने से वानरों में और प्रभु राम में प्रसन्नता छा गई उसी का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे व्याख्या में है देखो हनुमान जी संजीवनी जड़ी लेकर के आरती लेकर के आ करके देखे तो श्री राम जी खुश हो गए अब प्रसन्न हो गए और उन्हें गले भी लगा लिया ठीक फिर हनुमान जी की वीरता और समझदारी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र अत्यधिक आभार व्यक्त किए वैद्य को तुरंत अर्थात वैद्य जो
जड़ी बूटी उनके रवायत जी अलग वेट मैंने तो ऐसे दादी पीछे वाला है उसी को तुरंत बुलाए और उपचार के लिए किया और लक्ष्मण जी उठ गए और उपचार उसके जो कि किसके तो लक्ष्मण जी जो राम के भाई थे वो उठ गए और चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। राम भगवान भी खुश हो गए और भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। ठीक है, सभी भालू और वानरों की खुशियां, सब बंदर भालू सब जो खुशियां हैं वो जो है संचार होने लगी, सब खुशियां होने लगी, अर्थात वे सब अत्यधिक बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जो है वैद्य को जहां से जिस प्रकार लाए थे, अर्थात हनुमान जी को वैद्य जी बोले जहां से इसको लाए हो वहीं से तुरंत उसको वापस ले चलो, वहीं जगह में उसको पहुंचा दो। इस प्रकार से पुनः वो जाने लगे और सब सारा वृतांत घटना का वर्णन हुआ, क्या क्या हुआ सब बताने लगे उसको। फिर दशानन जो रावण थे, दशानन थे वो सुन रहा था और अत्यधिक दुखी, बहुत ज्यादा वो दुखी हो गए। कौन? दशानन दुखी हो गया। फिर उसको बार बार सिर बार बार पीटने लगे, फिर अपने सिर को बार 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 ऐसे पीटने लगे, ऐसे 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 वो पीटने लगे रावण जो है सिर को। और फिर व्याकुलता होकर के कुंभकर्ण के पास अपने भाई जो कुंभकर्ण थे एकदम इच्छा एकदम ऐसा सोया था ना कुंभकर्ण, उसी के पास वो चला गया और वहां से उसे अनेक प्रकार के उठाने का जगाने का प्रयास किया। और वो सोया हुआ था उसका भाई जो है रावण का भाई सोया हुआ उसको उठाने के लिए बहुत प्रयास किया। देखो यहाँ पर विशेष में अवधि भाषा चौपाई छन और ये ठीक